हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्माई एजुकेशनल हब। देखिए, हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं और इसमें यूनिट नंबर 2 का रिवीजन कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 में मैंने इससे पहले दो तीन टॉपिक करवा दिए, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। अभी जो बात करने वाले हैं, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट की। फिर ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम लोग न्यूमेरिकल बचेगा, जो कि आधे घंटे के लेक्चर में दो चार न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उसी पैटर्न का एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आने वाला है, राइट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट सिंपल सा टॉपिक है। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन जो है ना, थोड़ा सा ले लिए, कैसा है क्या समझ लो पहले। कॉम्पटन इफेक्ट होता है क्या, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव क्या है? ऐसा है कॉम्पटन प्रभाव कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक फोटोन आ रहा है, इधर से फोटोन मतलब लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रहा है, फोटोन से ये इलेक्ट्रॉन से टकरा, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था पहले, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है और क्या होता है, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और यहाँ से फोटोन निकला, नया मतलब नया फोटोन निकला और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोलिजन किया तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन चला गया मान लो इधर और ये चला गया इधर, ये मान लो फाई एंगल पर चला गया फोटोन तो, और ये एंगल पर चला गया थीटा पर। अब फोटोन आ रहा तो फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसको न्यू फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। अब न्यू फ्रीक्वेंसी है तो इसका कुछ मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम होगा इसका एच न्यू बाई सी, और इसका जो एनर्जी होगा वो होगा एच न्यू, एनर्जी को एच न्यू से लिखते हैं और मोमेंटम को लिखते हैं ऐसे। ये नया फोटोन बना क्योंकि इसके कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी, तो इसकी एनर्जी चेंज होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो फ्रीक्वेंसी होगी मान लो न्यू डैश, तो इसकी एनर्जी होगी एच न्यू डैश, और इसका जो मोमेंटम हो गया वो एच न्यू डैश बाई सी हो गया, राइट? इसका ये जो फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन गया ना, इलेक्ट्रॉन के पास में पहले कुछ भी एनर्जी नहीं थी, अब ये इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। ये थीटा एंगल पे चला गया, तो हम लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, थीटा एंगल क्या होगा, और ये जो न्यू और न्यू डेस आया ना, तो इसका इसका न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो इसका लेमडा वेवलेंथ भी कुछ लेमडा होगा, इसका वेवलेंथ होगा लेमडा डेस, तो ये लेमडा और लेमडा डेस में चेंज आ जाता है ना, तो लेमडा और लेमडा डेस में कितना चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाती है क्योंकि एनर्जी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और लेमडा बढ़ जाता है तो लेमडा बढ़ जाता है, तो लेमडा में चेंज आ जाता है, मतलब पहले लेमडा कुछ था, बाद में हो गया लेमडा, तो लेमडा बढ़ गया लेमडा रेस, तो ये लेमडा में जो चेंज आता है ना, इसको बोलते हैं लेमडा वेवलेंथ शिफ्ट, तरंग दैर्ध्य विस्थापन। तो ये जो विस्थापन आया ना, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है अपने को यहाँ पे फाइनली, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जब कोई लाइट आ रही है, इसको जनरली ऐसे भी बोलते हैं एक्सरे आ रही है या फोटोन आ रहा है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी दे देता है और फोटोन की खुद की एनर्जी कम हो जाती है, इसको बोलते हैं इसको कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट है, ठीक है? ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना, इसका कैलकुलेशन कैलकुलेट करना और वो फॉर्मूला कैलकुलेट करना, लेमडा डेस माइनस लेमडा। इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के दो तीन तरीके होते हैं, एक तो कॉम्पटन क्वांटम मैकेनिक्स में आप थर्ड ईयर में जाके पढ़ोगे, वो दूसरा तरीका होता है, यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज संवेग से कैलकुलेट करेंगे, फोर मोमेंटम से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिविटी में फोर वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं चतुर्भुज आकाश की, और चतुर्भुज आकाश में हम लोग क्या करने वाले हैं, चतुर्भुज संवेग के बारे में बात करने वाले हैं, फोर मोमेंटम के ऊपर बात करेंगे। तो फोर मोमेंटम के ऊपर देखो कैसे बात करेंगे। अब देखो वो जो सीन चल रहा है वो क्या है, एक फोटोन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, टक्कर से पहले तो ये सीन है, ये टक्कर से पहले का सीन है, टक्कर के बाद में क्या है, एक फोटोन इधर जा रहा है थीटा एंगल पे, फाई एंगल पे, और इधर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये टक्कर के बाद का, टक्कर से पहले का ये सीन है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुका हुआ है और इधर से फोटोन आ रहा है, तो फोटोन की एनर्जी क्या मान ली मैंने, इसको वन पार्टिकल बोल दिया, तो वन पार्टिकल हो गया, ये फोटोन है वन और ये क्या है टू है, फोटोन यहाँ पे वन डैश हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा टू डैश, ऐसे लिखा हुआ है, वन टू थ्री फोर भी लिख सकते थे लेकिन ऐसा लिख दिया मैंने वन और टू, इसको वन डेस फोटोन को, पहले वाला फोटोन वन, बाद वाला वन डेस, इलेक्ट्रॉन पहले टू और इसको टू डेस, ठीक है? तो इसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी एच न्यू और फोटोन का मोमेंटम एच न्यू बाई सी, ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल का यहाँ पे जिक्र कर देनी, तो कौन सी बची, रेस्ट मास एनर्जी, तो इसके पास में यहाँ पर रिलेटिविटी में एक तो काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी, विराम द्रव्यमान ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दो चीज़ों की बात करते हैं, तो गतिज ऊर्जा तो है नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि रुका हुआ है, तो इसके पास में कौन सी, विराम द्रव्यमान ऊर्जा, विराम द्रव्यमान ऊर्जा को रेस्ट मास एनर्जी को ऐसे लिखते हैं नॉट सी स्क्वायर, ठीक है? इसका मोमेंटम, अरे चारों चीज़ें हैं ना, उनका मोमेंटम और एनर्जी, मोमेंटम और एनर्जी पता करते हैं, इसका हो गया मोमेंटम और एनर्जी फोटोन का, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है और मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि ये रुका हुआ है, राइट? तो ये टक्कर से पहले का सीन ये है। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द सीन, आफ्टर कोलिजन क्या सीन है, देखो आफ्टर कोलिजन अपने पास में क्या है, आफ्टर कोलिजन इधर फोटोन चला गया और इधर इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन के पास अब की बार काइनेटिक एनर्जी भी आ गया,
तो इलेक्ट्रॉन फोटोन का फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू डेस, तो इसका एनर्जी हो गया एच न्यू डेस, नया फ्रीक्वेंसी के साथ में मोमेंटम हो गया एच न्यू डेस बाई सी। इसका जो एनर्जी है, इसका जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को लिखने के दो तीन तरीके होते हैं, मतलब रिलेटिविस्टिक एनर्जी को मैंने बताया था कि एक तो ऐसे होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, ऐसे एक इसका एक फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इक्वल टू पी सी का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक तरीका ऐसा होता है। एक होता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूले होते हैं राइट। अभी देखो हमने क्या क्या बताया, मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखनी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एम सी स्क्वायर ये बता दिया एक तो मैंने, दूसरा एक फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है ई का ई कैलकुलेट करना, तो रूट लगा दो यहाँ पे, तो रूट लगा के तो एक ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मान लो वी वेलोसिटी से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो गया एम वी इस डायरेक्शन में राइट, ये मोमेंटम हो गया ये एनर्जी हो गया। अब क्या करेंगे, चारों चीज़ें पता चल गई अपने को, मतलब दोनों पार्टिकल के बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम और एनर्जी पता चल गई। अब मैं चतुर्भुज संवेग का फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर मोमेंटम का, और फॉर मोमेंटम कंजर्व होता है, चतुर्भुज संवेग संरक्षित होता है, संरक्षित होने का मतलब है कि टक्कर से पहले, मतलब जो पहले सीन था उसमें और आफ्टर कोलिजन का वाला जो सीन है उन दोनों में, तो बिफोर और आफ्टर क्या होता है, चतुर्भुज संवेग बराबर बराबर रहता है, टोटल जो फॉर मोमेंटम है उसका सम आफ्टर और बिफोर इक्वल रहता है। तो देखो पहले पार्टिकल का, पहले पार्टिकल का मतलब फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का, बाद में क्या है, बाद में फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये अलग है, पहले इसकी बात करते हैं। तो पहली बार पहला ये है, दूसरा ये है, ये पहला डैश है और ये दूसरा डैश है। तो पहले का फोटोन का, फोटोन का चतुर्भुज संवेग की बात करें तो फोटोन का चतुर्भुज संवेग देखो, चतुर्भुज संवेग को ऐसे लिखते हैं पी कॉमा आयोटा ई बाई सी। तो पहले के लिए बात करें तो पहले के आगे पी वन ई वन ठीक है। अब फोटोन का मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम होता है एच न्यू बाई सी, फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू ठीक है ना, एच न्यू लिख दिया, सी तो ऑलरेडी है यहाँ पे। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इस तरीके से टू टू लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ है बिफोर कोलिजन वाले सीन में, तो ये जीरो है, और इसका जो एनर्जी होगा, इसका एनर्जी ऊपर लिखा था ना, ऊपर से तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये ऊपर से ही तो लिखा ई टू का वैल्यू क्या लिखा था एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं रुका हुआ है, तो ये एनर्जी आ गया। तो आफ्टर फोटोन, ये वन डेज का, इसका फोटोन का, तो फोटोन का क्या आएगा, फोटोन का एच न्यू डेज बाय सी, और ये आ गया एनर्जी और मोमेंटम। अब बचा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का ये मोमेंटम और ये एनर्जी राइट। इसका वैल्यू लिखा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू एनर्जी का लिखता तो बहुत बड़ा हो जाता, अभी लिखेंगे तो आगे देख लेंगे, अभी तक यहीं पे छोड़ दो राइट। अब देखो एक चीज आगे इसको सोल्व करते हैं। अब अपने को पता है कि ये पता है ना, इसको इधर भेज दूं तो देखो क्या होता है। अरे ये क्या कर रखा है, हाँ ये डैश नहीं है, यहाँ पे डैश नहीं है, इधर एक तरफ डैश है एक तरफ डैश नहीं है। ये बिफोर कोलिजन फोटोन है, इधर इलेक्ट्रॉन है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का और ये फोटोन का राइट। तो ये डैश डैश में लिखा है, ये विदाउट डैश में, ये गलत लिख रखा बच्चे ने। आगे देखो, तो देखो मैंने क्या किया, पी टू म्यू डैश को इधर रहने दिया, बाकी को इधर भेज दिया, पी टू म्यू डैश को इधर रहने दिया, बाकी को इधर भेज दिया। अब क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर तो इसका स्क्वायर हो गया, अभी दिख नहीं रहा ना आपको इस पीडीएफ में है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा, थोड़ा ठीक तरीके से नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए इंटू बी प्लस टू ए इंटू सी बटी माइनस का आएगा, फिर प्लस टू बी इंटू सी ऐसे आएगा, अरे ऐसे आएंगे छः टर्म आ जाएंगे। तो देखो ये पहले का स्क्वायर, ये दूसरे का स्क्वायर, ये तीसरे का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, फिर इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का कर दो तो माइनस के साथ में, तो माइनस टू दिस वन, फिर माइनस इन दोनों का, माइनस टू दिस वन ठीक है, ये आ गया और इधर इसका स्क्वायर हो गया ठीक है। अब इन सबके वैल्यूज कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे पुट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पी वन म्यू स्क्वायर प्लस पी टू म्यू स्क्वायर प्लस पी वन म्यू डैश का स्क्वायर ऐसा है राइट, फिर प्लस टू पी वन म्यू पी टू म्यू माइनस टू पी वन म्यू और पी वन हो गया पी वन म्यू डैश ठीक है ना, माइनस टू पी टू म्यू पी वन म्यू डैश राइट, क्लियर है ये, इतना हुआ। इसके बाद में ये क्या है,
पी टू म्यू डेस का स्क्वायर है ऐसा, है ना। तो स्क्वायर हो गया तो वेक्टर की जरूरत नहीं है। अब इन सब के वैल्यू रखना है मुझे, वैल्यू रखने के लिए देखो क्या करो, पी वन म्यू, अब मुझे पता है कि चतुर्विम संवेग जो होता है ना, चतुर्विम संवेग का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है माइनस जो जिस पार्टिकल का कैलकुलेट करें उसका रेस्ट मास इंटो सी स्क्वायर, उसका रेस्ट मास इंटो सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग फोटोन का, ये पी वन म्यू स्क्वायर, ये पी वन क्या है फोटोन के लिए बात करें ना, अरे पी वन क्या है फोटोन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर डेस वाला फोटोन, फिर इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है। तो ये वन है, ये टू है, ये वन डेस है, ये टू डेस है, ठीक है। सबसे पहले वन किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, फोटोन का, फोटोन का ये वाला पार्ट। तो फोटोन के लिए रेस्ट मास ऐसा आ जाएगा, फोटोन का एम वन स्क्वायर सी स्क्वायर, फोटोन का रेस्ट मास तो जीरो होता है, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, तो फोटोन का ये रेस्ट मास ही है, तो ये जीरो आ जाएगा, राइट। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का करेंगे तो पी टू म्यू स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फोटोन का जो भी रेस्ट मास आएगा वो आ जाएगा, फोटोन का नहीं इलेक्ट्रॉन का ये। फिर पी वन म्यू डेस स्क्वायर, यही है, मतलब ये भी फिर फोटोन का ही है आफ्टर कोलिजन, तो फोटोन का तो रेस्ट मास जीरो ही होता है, तो फोटोन का तो रेस्ट मास फिर जीरो हो गया, तो इसका इसका जो रेस्ट मास है ये जीरो होता है, तो ये फिर से जीरो हो गया, तो ये दो टर्म तो जीरो हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, राइट। ये दो टर्म तो मिल गया वैल्यू, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। अब इन तीनों के वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, है ना, करें, चलिए। तो सबसे पहले क्या किया हमने, P1 वन म्यू डॉट पी टू म्यू, इन दोनों के वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो P1 वन म्यू का वैल्यू ऊपर लिखा था, P2 टू म्यू का वैल्यू ऊपर लिखा था, दोनों के वैल्यू लिखा, इधर P2 वेक्टर P1 वेक्टर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, एनर्जी वाला टर्म एनर्जी वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, बीच में प्लस लिख दो, लेकिन आयोटा आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर होगा तो माइनस आ जाएगा बीच में, राइट। अब देखो P2 जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का रेस्ट रेस्ट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो जीरो होता, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ओनली ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचा तो ओनली ये आया इधर इधर, तो ये इधर ये, ठीक है ना। इवन ई टू, इवन और ई टू, इवन ई टू क्या है एनर्जी है, इवन तो फोटोन का एनर्जी, ई टू क्या है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रेस्ट मास में रेस्ट कंडीशन में, तो फोटोन का एनर्जी तो होता है एच न्यू, और ई टू का क्या हो गया एम नॉट सी स्क्वायर। ये सब ऊपर लिखा हुआ, इवन ई टू सब मैंने ऊपर लिखा है स्टार्टिंग में, सबका वैल्यू पुट किया तो फाइनली क्या मिला मुझे, फाइनली सिंप्लीफाई होकर ये मिल गया मुझे, एक टर्म मिल गया उसमें, अरे दो टर्म तो जीरो हो गए थे, फिर एक और टर्म मिल गया। आगे देखो P1 वन म्यू वेक्टर और P ये क्या है P1 वन म्यू डेस वेक्टर, इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, दोनों का वैल्यू रखा, दोनों का वैल्यू रखा मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया तो P1 वन वेक्टर डॉट P1 वन डेस वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, P1 P2 का डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता है P1 P2 सॉरी P1 डॉट P1 डेस कॉस थीटा, और ये ऐसा आ गया, ठीक है। ये क्या है माइनस है, माइनस ये माइनस है, ठीक है ये माइनस है। P1 है फोटोन का मोमेंटम है तो एच न्यू बाई सी हो गया, ये फोटोन का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है तो एच न्यू डेस बाई सी आएगा, एच न्यू बाई सी, एच न्यू डेस बाई सी आया, कुछ कुछ मिस्टेक्स करके E1 का होगा एच न्यू और E1 डेस का क्या होगा एच न्यू डेस, नीचे सी स्क्वायर चल ही रहा। देखो क्या सिंप्लीफाई को क्या मिलता है, सिंप्लीफाई होके अपने को इसका वैल्यू इधर तो चल ही रहा था ये आ गया, और इधर इसमें देखो एच स्क्वायर न्यू, ये न्यू डेस है, न्यू न्यू डेस अपन सी स्क्वायर ये मिला, और ये क्या है प्लस है ना, ये सॉरी माइनस है क्या, प्लस है ये माइनस था ना, अभी माइनस चल रहा है, माइनस है ये, तो इसमें देखो इसमें ये कॉमन आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू न्यू डेस अपॉन सी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इसमें कॉस थीटा बचा, कॉस फाइव है सॉरी थीटा नहीं फाइव है, माइनस बनाया, ठीक है ये माइनस बनाया, ये मिल गया एक टर्म, ये मिल गया, इसी तरीके से एक और टर्म मिल जाएगा, ऐसे सारे टर्म के वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे। देखो एक और टर्म कैलकुलेट कर लिया ये, और एक और टर्म का जो फाइनली वैल्यू मिला ये मिल गया, इन सब के वैल्यू हमने ऊपर रखे उस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन इस तरीके से मिला, दो का तो वैल्यू जीरो मिल गया था, बाकी का वैल्यू रखा तो ऐसे मिल गया। इसको इधर उधर शिफ्ट किया देखो, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, टू एम नॉट एच न्यू डेस है, टू एम नॉट एच न्यू है माइनस का है, तो इसमें टू एम नॉट एच कॉमन ले लिया तो न्यू न्यू डेस बच गया, और ये टर्म ऐसा कैसा आ गया, और क्या ये टर्म इधर से लेफ्ट साइड में इधर बराबर के इक्वल है, इक्वल के इधर है ना, इक्वल है यहाँ पे, तो उधर से कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म बच गया। इसमें देखो इसमें एम नॉट इसमें क्या बचा, इसमें एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एच स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया। इसमें देखो इसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेजा तो ऐसा आया। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करो, ये आया। इसमें क्या किया मैंने अभी, तो ऐसा कैसा लिख दिया, क्या किया, हाँ इसमें देखो इसमें ये माइनस है, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो न्यू न्यू डेस हो गया, तो इधर वाला माइनस इधर वाले माइनस से कैंसिल आउट हो गया। अभी एम नॉट को इधर भेज दिया, एम नॉट सी स्क्वायर हो गया, इधर न्यू न्यू में आ गया। अभी मैं इसको लेमडा में लेके आना चाहता हूँ, लेमडा में लेके आने के लिए सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो सी इक्वल टू न्यू लेमडा लिख दो। अरे सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है
तो न्यू को क्या लिख सकते हो, सी बाई लेमडा, और न्यू डैश को क्या लिख सकते हो, सी बाई लेमडा डैश। तो न्यू और न्यू डैश का वैल्यू ये पुट कर दो, पुट कर दोगे तो सिंप्लीफाई होके, सिंप्लीफाई होके फाइनली आंसर मिल जाएगा। दोनों का सी बाई लेमडा हो गया, देखो न्यू का सी बाई लेमडा और इसका सी बाई लेमडा डैश, इधर भी न्यू न्यू का वैल्यू रखा, फाइनली कुछ कैंसिल आउट होके, कैंसिल आउट होके अपने को क्या मिला, कैंसिल आउट होके ये फॉर्मूला मिला, लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव, ये फॉर्मूला मिला अपने को। इसको बोलते हैं लेमडा, क्योंकि अभी क्या हो गया, एनर्जी तो कम हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है, वो लेमडा होता है, वेवलेंथ होता है, इंक्रीज हो जाता है, उल्टा होता है एक दूसरे का। अरे सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो न्यू और लेमडा क्या होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है, ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, तो लेमडा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो लेमडा पहले कम था, बाद में ज़्यादा हो गया, तो लेमडा में परिवर्तन जो हुआ ना, लेमडा में जो चेंज हुआ उसको बोलते हैं लेमडा में शिफ्ट, वेवलेंथ में शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट इन वेवलेंथ, ये इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य में विस्थापन, ये इतना हो गया, ये फॉर्मूला आ गया फाइनली। ये जो है ना एच अपॉन एम नॉट सी, ये कांस्टेंट होता है, इसको लेमडा सी से लिखते हैं, इसको लेमडा सी से, और एच एम नॉट, एम नॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट, एच के अपलांक कांस्टेंट, सबका वैल्यू रखते हैं, तो इसका वैल्यू कुछ आता है 0.024 एंगस्ट्रॉम, ये आता है इसका वैल्यू। इसको लेमडा सी से लिख देते हैं, तो ये फाइनली क्या बचता है, देखो कॉम्प्टन वेवलेंथ बोल देते हैं इसको, इसको बोले कॉम्प्टन विस्थापन, कॉम्प्टन शिफ्ट भी बोलते हैं इसको, एच अपॉन एम नॉट सी को एक नया कांस्टेंट लिख दिया लेमडा सी से, और लेमडा सी का वैल्यू देखो ये हमने कैलकुलेट भी किया 0.0242 ये जो भी एंगस्ट्रॉम में आया, इसको लेमडा सी लिख दिया, ठीक है। ये लेमडा डैश माइनस लेमडा को हमने डेल्टा लेमडा से लिखा है, और ये आ गया लेमडा सी 1 माइनस कॉस फाइव। अब इसमें कंडीशन ले रहा हूँ मैं, एक तो होता है अग्र प्रकीर्णन, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्केटरिंग, फॉरवर्ड स्केटरिंग का मतलब है यहाँ से फोटोन आया और सीधा इधर ही चला गया, वो जो एंगल था ना फाई, ये फाई कितना है, जीरो है, इफ एंगल फाई इज जीरो मतलब अग्र प्रकीर्णन, मतलब आगे चला गया फोटोन, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्केटरिंग। तो फाई अगर जीरो हो जाए, तो फाई का वैल्यू जीरो करो तो क्या आएगा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू ये इसका जीरो करोगे तो बनाएगा जीरो, मतलब कोई भी एनर्जी को चेंज नहीं आएगा, मतलब ये फोटोन की जितनी एनर्जी थी ना अभी भी उतनी एनर्जी रहेगी, ये एनर्जी देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के पास में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्केटरिंग। नेक्स्ट थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, अगर फाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो ये आ जाएगा इधर से कॉस फाई, फाई का 90 जीरो हो गया, ये लेमडा सी के इक्वल आ जाएगा, इतना चेंज आएगा। लास्ट और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसको पाई भी बोलते हैं, पाई पर फर्स्ट प्रकीर्णन बोलते हैं इसको, बैक स्केटरिंग, बैक स्केटरिंग, दिस इज बैक स्केटरिंग, बैक स्केटरिंग। और बैक स्केटरिंग में क्या होता है, फाई का वैल्यू क्या होता है 180, तो 1 माइनस कॉस फाई है, कॉस फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कॉस फाई है, दिस इज कॉस फाई, कॉस फाई क्या होता है पाई, कॉस फाई क्या, कॉस पाई कितना होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 2 लेमडा सी आ गया इसका वैल्यू, कितना आया 2 लेमडा सी, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा कितना आ गया 2 लेमडा सी, ये इतना आ गया। ये मैक्सिमम कॉम्प्टन विस्थापन होता है, अधिकतम जो विस्थापन होता है ना लेमडा में, जो मैक्सिमम चेंज आता है ना वो इतना आता है, मतलब इस कंडीशन में मैक्सिमम एनर्जी शिफ्ट होता है। इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है, क्या न्यूमेरिकल आएगा, ऐसे आता है मैक्सिमम शिफ्ट जब होता है उस कंडीशन में विस्थापन कितना होगा, अधिकतम कॉम्प्टन विस्थापन की स्थिति में, अधिकतम कॉम्प्टन विस्थापन की स्थिति में कितना विस्थापन होगा, तो आप कैलकुलेट कर लो, ये आएगा विस्थापन चेंज डेल्टा लेमडा पूछा, मतलब 2 लेमडा सी, लेमडा सी कितना होता है 0.02, अरे 2 लेमडा सी कितना 0.024, तो ये कितना हो गया 0.048 एंगस्ट्रॉम, इतना आएगा। कुछ भी पूछ सकता है इस फॉर्मूले पे, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके बाद में हम लोग और भी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं यहीं तक एक्सप्लेन करूँगा, और भी चीज़ें कैलकुलेट कर रखी हमने कि वो इलेक्ट्रॉन गया, उस इलेक्ट्रॉन का फाई एंगल कितना, थीटा कितना, थीटा और फाई में रिलेशन, उस और भी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं यहीं तक बता रहा हूँ ये, ठीक है ना, यहाँ तक का इंपॉर्टेंट है। इस पर एक आधा न्यूमेरिकल भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आया होगा, तो उसको देख लेना, बाकी मैं और न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर, जो न्यूमेरिकल होंगे वो थ्रेशोल्ड पे होंगे और वहाँ पर से आएंगे, तो वो जो न्यूमेरिकल का जो पैटर्न है उस टाइप के न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं इस चैप्टर से। मैंने जो भी टॉपिक कराए हैं ना इस न्यूमेरिकल को मिला के, आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको मिला के, वहाँ से ये मान के चलिए कि 6 मार्क्स के आसपास के मिलने के चांसेस हैं आपके, और इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो प्लीज़ इसको पढ़िए, आपके बहुत काम में आने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। और भी आपके कोई फीडबैक रहते हैं इससे रिलेटेड, आपको लगता है कि ऐसा 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 जो भी है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और या मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, और नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, चलो थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, और फिर एक मतलब आधे घंटे के अंदर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आधे घंटे का एक लेक्चर हो रहेगा जिसमें मैं क्या करवाऊंगा, छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 मैंने पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। यूनिट नंबर 4 अगर किसी को करना, सॉरी यूनिट नंबर 1 किसी को करना है, तो मैंने जैसे पहले भी बता रखा है कि मैंने अभी मोबाइल ऐप की एप्लीकेशन है हमारा, उसके ऊपर जो कोर्स है मैंने अभी पूरा ओपन कर रखा है, तो उसके ऊपर आप यूनिट नंबर 1 भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो पूरा डिटेल में करवाया गया है। लेकिन यूनिट नंबर 1 में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। एक तो जैसे टेंसर वाला प्रॉपर्टी है, टेंसर वाला जो छोटे टॉपिक है, एक जैकोबियन वाला, एक है डिराक वाला, ये जो छोटे टॉपिक है ना, ये आप वहाँ से कर सकते हो, छोटे सिंप्लीफाई वे में करवाया है मैंने सिंपल तरीके से, ठीक है ना, तो ये आप वहाँ से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, ओके, पढ़िए मज़े से, और लोगों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सब लोगों को हेल्प मिले, ठीक है, चलिए, थैंक यू।